मेरे सर पे रख दो माँ अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो माँ अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय माता दी, स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में हम आपको माता रानी की यात्रा से नए दर्शन कराने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से संबंधित इस समय की नई जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्त इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना, हमने इस महीने की नई डिजिटल यात्रा ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर पब्लिक कर दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए और कॉमेंट के जरिए अपना अनुभव हम तक साझा करिएगा। फिलहाल जो वीडियो में आप नज़ारा देख रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, जहां पर हमें सबसे पहले माता रानी के त्रिकुट पर्वत के दर्शन होते हैं जैसे ही हम ट्रेन से बाहर आते हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन से चढ़ के जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमें मिलता है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहां से हमें RFID कार्ड लेना होता है। जितने भी कटरा में ऑफलाइन काउंटर हैं वो सुबह 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। और कटरा के मेन चौक पर भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा, काउंटर नंबर 2 पर भी मिल जाएगा, ताराकोट मार्ग पर भी मिल जाएगा, हेलीपैड पर भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी आपको मिल जाएगा RFID कार्ड। साथ ही साथ अगर आप जम्मू उतरते हैं तो जम्मू तवी के बाहर निकलेंगे तो वैष्णवी धाम पड़ेगा, जहाँ से भी आप RFID कार्ड ले सकते हैं। तो RFID कार्ड लेने के बाद हम पहुँच चुके हैं यात्रा गेट के पास, जहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। साथ ही साथ माता रानी के जयकारा लगाते लगाते हम माता रानी के अर्धकुंवारी प्रांगण पर पहुँच चुके हैं, जहाँ हमें माता रानी के पवित्र गर्भजून गुफा से होकर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर आप भक्तों का चहल पहल देख रहे होंगे। और सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर वेटिंग समय की, तो फिलहाल आज के दिन यहाँ पर 24 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। और भक्तों की संख्या की बात की जाए तो फिलहाल इस समय भक्तों की संख्या लगभग 30,000 से लेकर 35,000 के आसपास में बनी हुई है। ये संख्या बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो वेटिंग समय भी बढ़ता रहता है, घटता रहता है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वेटिंग समय बढ़ता है, जैसे जैसे संख्या डिक्रीज होती है वैसे वैसे वेटिंग समय भी डिक्रीज होता रहता है। वहीं माता रानी का जयकारा लगाते हुए हम हेमकोठी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। फिलहाल आप सबका स्वागत है माता रानी के सुंदर पावन पवित्र भवन में, इसके दर्शन आप सब घर बैठे कर पा रहे होंगे। वहीं अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं वो माता रानी के पवित्र नारियल प्रांगण से दर्शन है, जहां पर माँ भगवती विराज हैं। और आप सब घर बैठे ये दर्शन कर रहे हैं तो अपना अनुभव कमेंट के जरिए हम तक साझा करिएगा कि आपको यहाँ का ये अनुभव कैसा लग रहा है। लीजिए, हाथ जोड़कर दर्शन करते रहिए और माता रानी का जयकारा लगाते रहिए। वहीं अब बात की जाए जानकारियों का, और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले जो है वो वेदर अपडेट की, यानी मौसम अलर्ट की। आपको बता दें कि गूगल वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ समय में मौसम जो है वो माता रानी के भवन पर खराब रहने की आशंका जताई जा रही है। तो अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो आपको ठंड महसूस होगा। और आपके पास अगर सेफ्टी मेजर्स के सभी सामान होंगे तो अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आपका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा बॉडी का, क्योंकि ठंड लगेगा तो फिर आपको हो सकता है कि हेल्थ इशूज़ आ जाए, लाइक फीवर आ जाए, जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, तो आपके पास मेडिसिन भी होना चाहिए। इसलिए मेडिसिन को भी कैरी कर लीजिएगा और हो सके तो अपने साथ रेनकोट और अम्ब्रेला रख लीजिएगा, क्योंकि अगर बारिश होगा तो आपके लिए बहुत सेफ्टी मेजर्स रहेगा। देखिए, अगर आप यात्रा शुरू करने से पहले सभी प्रिकॉशंस के सामानों को अपने साथ रख लेते हैं तो आपको यात्रा में किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अपने साथ सभी ज़रूरत के सामान रख लीजिएगा, क्योंकि पहाड़ों का मौसम कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मौसम चंद मिनटों में बदल जाता है। बढ़ेंगे वीडियो में आगे और बात करेंगे स्पेशल ट्रेन की। हमने पहले भी वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया है कि न्यू दिल्ली से कटरा के बीच कुछ नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, और मैंने बताया भी था कि आने वाले समय में इनका जो संचालन है, जो डेट दिया गया है, उससे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वैसा ही कुछ हुआ है, कुछ ट्रेनों का संचालन आगे एक्सटेंड कर दिया गया है जो नए स्पेशल नाम से चल रहे हैं। तो एक बार आप IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके सर्च कर लीजिएगा, ये वीकली ट्रेन है, सप्ताह में एक बार चल रहा है। तो आप देख लीजिए, अगर सीट्स अवेलेबल हैं और आपको माता रानी के दरबार जाना है तो आप इनमें अपनी बुकिंग करा सकते हैं। इनमें हर प्रकार की बुकिंग मिल जाती है, चाहे जनरल हो, स्लीपर हो, AC हो, सभी प्रकार की बुकिंग अवेलेबल होती है। तो आप चेक करके बुकिंग कर लीजिएगा जाने से पहले। वहीं बढ़ेंगे वीडियो में आगे और बात करेंगे सुविधाओं की। फिलहाल इस समय माता रानी की अनुकम कृपा से भक्तों को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, रोप वे हो, हेलीकॉप्टर हो, या फिर बैटरी कार की सुविधा हो, या फिर अन्य श्राइन बोर्ड के कोई भोजनालय की सुविधा हो।
सभी प्रकार की सुविधा भक्तों को आराम से मिल रही, भक्त बहुत ही आसानी से दर्शन कर रहे हैं। अब अगर दर्शन की बात की जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रात 12 बजे के बाद दर्शन करने की कोशिश करिए या फिर दिन में 12 बजे के बाद दर्शन करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो दो समय होगा इस समय आपको बिल्कुल भी दर्शन करने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, आपको बहुत ही आसानी से दर्शन होगा। तो इसीलिए कोशिश यही करिएगा और आप अवॉइड करिएगा शाम के आरती के पहले और शाम के आरती के बाद दर्शन करने की। सुबह में भी आरती जो शुरू होता है उसके पहले और आरती खत्म होने के बाद दर्शन करने के लिए आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस समय लंबी लंबी कतार होती हैं और बहुत जल्दी जल्दी दर्शन कराया जाता है तो आपको उतने अच्छे से दर्शन नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपना पूरा प्लानिंग करके जाइए, कितने कितने शेड्यूल पर आपको कैसे कहाँ पहुँचना है, जिससे कि आपकी यात्रा सफल हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानियों का सामना माता रानी की यात्रा में ना करना पड़े। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में हमने आपको हर प्रकार की जानकारी दे दी है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस यही ध्यान रखिएगा कि जब आप माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं सभी ज़रूरत के सामान अपने साथ कैरी करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप सोचेंगे कि आपको कम्बल मिल जाएगा या आपको वहाँ पर गर्म कपड़ा ऊपर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से प्रिकॉशंस के साथ यात्रा पर जाएंगे तो आपका हेल्थ भी नहीं इश्यू होगा और आपको यात्रा भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपके दर्शन कंप्लीट हो जाएंगे और माता रानी का आशीर्वाद भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने लगभग हर प्रकार की जानकारी आपसे साझा कर दी है, हमने जो जो बातें आपको बताई इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आपके मन में फिर भी किसी प्रकार से कोई डाउट है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उम्मीद करूंगा कि मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट्स की रिप्लाई करूं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं था आयुष, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय माता दी। नमो।